सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार, मेरा नाम पेंडो सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों, देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक आजकल चर्चा का जो विषय बना हुआ है वो पवन सिंह और ज्योति सिंह मामले को लेकर है, जहां पर आवाज उठा रही थी कौन, तो बबीता मिश्रा, देशवा न्यूज चलाती हैं और वो लगातार जो है ज्योति सिंह की आवाज उठा रही थी। लेकिन अब इस कड़ी में अब उन पर जो है केस FIR मुकदमा दर्ज हो गया है और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है। लेकिन भले ही पवन सिंह के टीम के सदस्यों के द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बबीता मिश्रा पर मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमे में मनाया जा रहा है कि ज्योति सिंह को कहीं ना कहीं उकसाया जा रहा है इस दुनिया से चले जाने के लिए, इस तरीके का आरोप है। पवन सिंह पर आरोप है कि भाई उनको जो है टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली हैरेस किया जा रहा है और इस तरीके का आरोप जो है बबीता मिश्रा पर लगाया गया। उसके बाद से माना जा रहा है कि बबीता मिश्रा गिरफ्तार होंगी, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाई है। अब बबीता मिश्रा भी इस मामले को लेकर प्रमुखता के साथ नजर आने लगी हैं। उनका ये आरोप है कि पवन सिंह के और पवन सिंह द्वारा टीम, उनके टीम के सदस्य, उनके करीबियों द्वारा जो है लगातार मेरे को हड़काया जा रहा है। और एक मामला उन्होंने जो दर्ज कराया है वो ये है कि भाई पटना में हम जा रहे थे तो अज्ञात लोगों ने उनके कनपट्टी पर कट्टा भिड़ा दिया और बोला कि पवन सिंह के मामले में मत बोलो, नहीं तो आगे से ठोक दिए जाओगे। अब ऐसी घटनाएं अगर घटित होती है तो आप बताइए किसको नुकसान है। पवन सिंह को नुकसान है क्योंकि पवन सिंह के नाम पर ही ये सारी चीजें हो रही है और आने वाले समय में पवन सिंह चुनाव भी लड़ने वाले हैं। तो अगर इस तरीके की चीजें हुई, समर्थक अगर ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो अगर किसी को नुकसान होता है तो वो पवन सिंह को होता है, क्योंकि जो बबीता मिश्रा हैं वो लगातार इसको लेकर सवाल भी उठा रही हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता अगर वो गलत काम करता है तो पूरा पार्टी जो है वो बदनाम होती है। इस कड़ी में अब जो है खुलेआम तौर पर बबीता मिश्रा को धमकी भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने एक तस्वीर लगाया है, ये धमकी मिला था कि हाय तू कितना भी विनती कर ले तुझे तो गोली मारूंगा, देखता हूं तुम्हारा नीतीश बाबू कैसे बचाते हैं। इन्होंने आवाज उठाया था, लेकिन अब जो है फिर भी बबीता मिश्रा को धमकी मिल रही है कि उनको जो है गोली मारेगा। अब एक और चैट बबीता मिश्रा ने साझा किया है अपने इंस्टाग्राम पर और उस चैट में आप पढ़ सकते हैं, मैं लगा देता हूं। लिखा है कि तुम पवन सिंह का फैमिली मैटर में बोलने वाली हो कौन, बोलो जल्दी, नहीं तो अभी तुम मेरा मूड को जानती नहीं हो। पवन सिंह का नींद हराम करके तुम खुद चैन की नींद सो गई। हाँ, तुम्हारा बगल में ही हूँ, तुम्हारा बगल में ही है तो निकल बाहर, गोली से उड़ा दूंगा। तो अब जो है ये अब गोली से डायरेक्ट उड़ाने की धमकी जो है कहीं ना कहीं बबीता मिश्रा को दी जा रही है। बबीता मिश्रा लिखती है कि ओके, आप मुझे गोली मार देना, अभी इस नंबर को पुलिस में देंगे। जी जरूर। तो इस तरीके का कहीं ना कहीं बबीता मिश्रा लिखा है कि सच्चाई दिखाना कितना कठिन है, किसी लड़की की जिंदगी बचाने की कोशिश में आए दिन समाज में इस तरीके की घटनाएं होती है। ज्योति सिंह के साथ नहीं, सारी महिला के साथ खड़ी हूँ। सुशासन की सरकार में किस तरीके से लोग मुझे धमकी दे रहे हैं। तो ये धमकी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अब जिस तरीके का ये लगातार जो है कहीं ना कहीं बबीता मिश्रा कर रही है पवन सिंह के मामले को लेकर, पवन सिंह का नाम लेकर, कहीं ना कहीं ये पवन सिंह के लिए भी नुकसानदायक है कि उनके समर्थक, उनके फैंस जो है वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। बाकी इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है।